हेलो, मेरे बेबी ने क्या खाया? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, मैं हूँ रावण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टोरीज। पता है दुनिया तुम्हारी कद्र करना कब शुरू करती है? जब तुम कुछ होते हो, और अगर दुनिया की दौड़ में पीछे रह गए तो सिर्फ गालियां मिलेंगी, क्योंकि तालियां तो कोई और पहले ही ले जा चुका होगा। आज हम बात करेंगे इसी तरह के एक क्रिएटर के बारे में, और आज जब वह फेमस हैं तो सब उनको पहचानते हैं, पर जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तब कोई उनका सहारा तक नहीं बना। आपने यदि हर्ष बेनीवाल का वीडियो देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि उसमें नॉडी का मजाक बनाया गया है, जिसका रिप्लाई नॉडी ने दिया पर अपने काम से। देखिए ये वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कहो टिकटॉक जिंदाबाद। नॉडी के इसी एटीट्यूड ने उनको पहचान दिलाई है। मैं नॉडी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को नॉडी ली तक जरूर पहुँचाना। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर हृदय के 80 सर्च करके DM कर देना। तो चलिए जान लेते हैं नॉडी भाई के बारे में सब कुछ। नॉडी का पूरा नाम नॉडी ली है, पर आपको नॉडी का रियल नेम नहीं पता होगा। इनका रियल नेम है समीर खान। समीर का जन्म 3 नवंबर 1999 को हुआ था, अभी वह 20 साल के हैं। समीर दिल्ली के उत्तम नगर में रहते हैं। बात करें नॉडी की हाइट की तो 5 फीट 7 इंच है। नॉडी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है और अभी वह ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इनका नाम तो समीर था लेकिन निकनेम नॉडी था, यही वजह है कि उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल इसी नाम से मिलेंगे। नॉडी भाई कहते हैं कि दानिश जेहान का आज तक उनसे बड़ा कोई फैन नहीं हुआ होगा। नॉडी भाई के फेवरेट एक्टर की बात करें तो वह संजय दत्त और एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं। नॉडी को संजय दत्त स्लोमो वॉक की वजह से पहचान मिली है। उनकी जो आज पहचान है उसके पीछे नॉडी का एटीट्यूड और संजय दत्त का स्टाइल है। तो चलिए जानते हैं नॉडी का सोशल मीडिया सफ़र कैसा रहा। बात तब की है जब नॉडी भाई बिल्कुल आम छात्र थे। लोग तरह तरह की बातें बोलकर इनका मजाक बनाया करते थे, और कुछ लोग आज भी बोलते हैं, लेकिन नॉडी को उनकी बात सुनने का अब टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान के आगे बोलने वालों की कोई औकात नहीं। नॉडी बताते हैं कि उनके फ्रेंड जब टिकटॉक बनाते थे तब नॉडी बस देखा करते थे। एक दिन उनके फ्रेंड ने अपनी वीडियो में काम करने को बोला, जिसमें उन्हें गोली खाकर ज़मीन पर गिरना था। उनकी एक्टिंग देख फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि तुम भी टिकटॉक बनाओ। नॉडी भाई ने फिर इसके बाद 2019 में टिकटॉक बनाना शुरू किया। इनके शुरुआत से ही व्यूज़ और लाइक्स अच्छे आए। पहला ही वीडियो लगभग वायरल सा था। लगातार वह अपने काम में लगे रहे। बीच में इनकी टिकटॉक ID भी डिलीट हो गई, फिर नई ID बनाकर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू किया। नॉडी के 1 मिलियन फॉलोवर्स 27 नवंबर 2019 को पूरे हुए, और अभी उनके टिकटॉक पर 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर उनके 47 मिलियन लाइक्स भी हैं। वहीं बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम को नॉडी ने 12 सितंबर 2018 को ज्वाइन किया। उनके 50K फॉलोवर्स 24 अप्रैल 2020 को हुए। यूट्यूब के बारे में बात करें तो इनका यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम नॉडीली रियल है। तो ये था हमारा वीडियो नॉडीली के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। आज गला थोड़ा ख़राब था, इस वजह से आवाज़ में दिक्कत आई है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँ तब तक गला अच्छा हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, या नहीं तो बाजू से निकलूंगा ना तो हवा आएगी ना जब भीड़ की, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। पहली फुर्सत में निकल। मुंबई छोड़ के चले जा कांचा, नहीं तो तुझे जोकर साला। तू बहुत नकली बन रहा था तभी से। सुन मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस पर कैसा फिर मारने जाएगा? तू फिर मारने जाएगा?